जरा मनीष जी, अगर वो जो आपके यहाँ मॉनिटरिंग होती जैसा है और खबर जाती है, तो एक बता दूं, एक संदेश दे दूं दिल्ली को, और ये बड़ा गंभीर संदेश है मनीष, कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी बला अपने साथ लेकर गए हैं। और उदाहरण के साथ बताने जा रहा हूं, और जो इसकी मॉनिटरिंग करते हो या जो फीडबैक लेते हो, ये संदेश जरा पहुंचा दें कि मनीष जी, एक अफसर जिसकी ईमानदारी का डंका तो पूरे देश में बजा, उत्तर प्रदेश में तो खैर बच्चा बच्चा जानता, बड़े ईमानदार अफसर, बड़े मतलब, और ऐसे हुनर उनका कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री तो नंबर वन, और मुलायम सिंह की कट्टर दुश्मन मुख्यमंत्री मायावती मुख्यमंत्री तो उनके नंबर वन, और उसके बाद जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने तो उनके भी नंबर वन, यानी उनको लोग मिनी मुख्यमंत्री कहते थे, चाहे वो मायावती रही हो, मुलायम रहे हो या अखिलेश यादव रहे। ये हुनर, और ये हुनर उनकी ईमानदारी में छुपा हुआ था, इतने गजब के वो ईमानदार थे। लेकिन एक और उनका एक हुनर उनका है, एक बड़ा भयंकर गुण है, कि वो जिस पेड़ पे बैठे वो पेड़ सूख गया। जिस मुलायम सिंह पे बैठे, मुलायम सिंह इतनी बुरी हार हुई चुनाव में, तबाह हो गए। मायावती पूर्ण बहुमत से आई, बम 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 पूरे प्रदेश में जय जयकार हो रही थी, और वो ईमानदार अफसर की कृपा हुई, नंबर वन पे आ गए, उन्हीं के हिसाब से कामकाज चलने लगा। और 2012 में मायावती का सफाया हो गया, आज तक उबर नहीं पाई मायावती। 2012 में फिर ये हुनर था कि फिर अखिलेश यादव के नंबर वन, और अखिलेश यादव का 2017 में कैसा सफाया हुआ, 2014 से ही शुरू हो गया था, 2017 में कैसा सफाया हुआ कि अभी 24 तक, अभी तक सत्ता के कहीं अगल बगल वो नहीं है। और उन अफसर साहब को बड़े सम्मान के साथ उठाकर दिल्ली में बैठा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी बला अपने साथ लेकर गए। मैं ये संदेश जरा समझ जाए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो समझ जाएंगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ, या जिनको नहीं, बहुत लोग नाम राजनीति लिखना भी शुरू कर दिए, लेकिन लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये चीजें और ऐसी जिम्मेदारी उनको दे दी गई है, यदि अभी भी नहीं चेते हैं। मैं बता रहा हूँ मनीष जी, ये इनकी ईमानदारी के चर्चे तो छोड़ दीजिए, और उनके लिए जो खबर है कि वो ईमानदार पत्रकार ने बाइटिंग करी थी, तो भगवान जाने वो पत्रकार वाली को, वो मेरे संज्ञान में नहीं, लेकिन हाँ ये कितने शुभ हैं। और उस मनीष जी जरा एक और आगे जोड़ दूं कि अभी चुनाव से मुश्किल से 2 ही 3 महीना पहले लेके गए थे, और वो असर उनका, उनकी जो शुभता का असर है वो इस चुनाव में आपको दिख गया, लोकसभा के चुनाव में। अप्रत्याशित परिणाम, अप्रत्याशित परिणाम। तो प्रधानमंत्री मोदी एक बला लेके तो बैठे ही हैं अपने साथ, और खुद ही उसके जिम्मेदार है, किसी और को नहीं, या फिर कोई दूसरा है तो वो जानते होंगे अच्छे से। तो अगर उस बला से बिल्कुल, और ऐसे ऐसे यदि आस्तीन के सांप पालते रहेंगे तो निश्चित रूप से हताशा तो हाथ लगे ही लगेगी।